मोस्ट वेलकम इन माय चैनल आदित्य विक्रम रा फ्रॉम एलपीएम पब्लिक स्कूल एंड टुडेस आवर चैप्टर इज लोहड़ी का त्यौहार। आवर टॉपिक इज लोहड़ी का त्यौहार दैट जो आपका पार्ट 14 है जो कि हिंदी परिवेश का है। तो आज हम लोग इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। और दूसरी बात ये कि हमने पिछले दिन इस पत्र को पढ़ा था और इसमें बहुत सारी चीज़ों को सीखा भी था। तो लोहड़ी का त्यौहार कैसे मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, इस त्यौहार को लेकर क्या उत्साह रहता है, इस त्यौहार की क्या व्यवहारिकता है, इस त्यौहार का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, इस त्यौहार से क्या हमको सीखने को मिलता है, क्या अपनापन मिलता है, इसमें इसका सांस्कृतिक परिचय क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में हम विस्तृत में चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम लोग कुछ एक्सरसाइजेज यानी कि कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी मतलब इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारा जो चैप्टर था लोहड़ी का त्यौहार, ये एक पत्र था और इसको हम व्यक्तिगत पत्र कह सकते हैं। और इसमें अभिव्यक्ति मतलब लोहड़ी के त्यौहार की अभिव्यक्ति की गई है, तो इसलिए इसको हम व्यक्तिगत पत्र कह सकते हैं। जो ये व्यक्तिगत पत्र है वो प्रियांशी ने जूली के लिए लिखा है। प्रियांशी और जूली जो हैं वो सखियाँ हैं, आपस में मित्र हैं। तो प्रियांशी ने जूली के लिए लिखा है, क्या लिखती है देखिए। प्रिय जूली नमस्ते, तुम्हारा पत्र मिला जिसमें तुमने अपनी गोवा की सैर के बारे में लिखा है। यानी कि वो प्रियांशी जूली से कहती है कि तुम्हारा पत्र मिला जिसमें तुमने अपनी गोवा की सैर के बारे में लिखा है। गोवा के बारे में जानकर अच्छा लगा, यानी कि वो उसको क्या कह रही है, सराहना कर रही है कि गोवा के बारे में जानकर अच्छा लगा। और मैं कल ही पंजाब से वापस आई हूँ, हम वहाँ राजीव अंकल के बेटे की पहली लोहड़ी मनाने गए थे। क्योंकि आपको पता है बेटा, जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया था, इस पार्ट को पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि किसी नया बच्चा किसी परिवार में, कोई नया परिवार में कोई नया बच्चा आया रहता है या फिर कोई नई वधू रहती, नई बहू रहती है, तो उसके लिए ये लोहड़ी का त्यौहार जो होता है वो खास होता है। तो कह रही है कि तुम्हारा पत्र मिला जिसमें तुमने अपनी गोवा की सैर के बारे में लिखा है। गोवा के बारे में जानकर अच्छा लगा, मैं कल ही पंजाब से वापस आई हूँ, हम वहाँ राजीव अंकल के बेटे की पहली लोहड़ी मनाने गए थे। जानती हो लोहड़ी पंजाबियों का प्रिय त्यौहार है, या लोहड़ी जो है वो पंजाबियों का प्रिय त्यौहार मुख्य त्यौहार है। यह त्यौहार 13 जनवरी को पंजाब और हरियाणा में धूमधाम से मनाया जाता है। यानी कि यह त्यौहार 13 जनवरी का मतलब कि हमारा जो मकर संक्रांति का त्यौहार जिसे हम खिचड़ी का त्यौहार कहते हैं वो 15 या 16 जनवरी को मनाया जाता है। और उससे एक या दो दिन पहले 13 जनवरी को पंजाब और हरियाणा में यह धूमधाम से मनाया जाता है। लोहड़ी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग लकड़ियाँ इकट्ठी करके उसका एक ढेर बनाते हैं। शाम के समय आग जलाई जाती है, लोग आग के चारों ओर चक्कर काटते हैं और उसमें तिल डालते हैं, फिर सब आग के चारों ओर बैठकर आग सेकते हैं। मूंगफली, रेवड़ी और मक्का के फुल्ले, मक्का के फुल्ले का मतलब मक्का का जो पॉपकॉर्न होता है, मक्का का भुजा होता है, उसको मक्का के फुल्ले कह सकते हैं, मक्का के फुल्ले खाते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, आग में तिल डालते हुए अपने अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, फिर सब आग के चारों ओर नाचते गाते हैं। घर में वधु की पहली लोहड़ी और बच्चे की पहली लोहड़ी बहुत ही अच्छे ढंग से मनाई जाती है, खास होती है। ओके, तो एक बार फिर से देखें, इस दिन लोग लकड़ियाँ इकट्ठी करके उसका एक ढेर बनाते हैं और शाम के समय आग जलाई जाती है, लोग आग के चारों ओर चक्कर काटते हैं और उसमें तिल डालते हैं, फिर सब आग के चारों ओर बैठकर आग सेकते हैं, मूंगफली, रेवड़ी और मक्का के फुल्ले खाते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, आग में तिल डालते हुए अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, फिर सब आग के चारों ओर नाचते गाते हैं। घर में वधू की पहली लोहड़ी और बच्चे की पहली लोहड़ी बहुत अच्छे ढंग से मनाई जाती है। और उसके बाद क्या कह रही है प्रियांशी, आगे कह रही है कि हमने भी यह त्यौहार खूब धूमधाम से मनाया। सबसे पहले सबने मिलकर आग की पूजा की, आग देवता की पूजा की, उसके बाद उसमें तिल, गुड़, रेवड़ी और मूंगफली का भोग लगाया, फिर सभी ने मिलकर नाच गाना किया। जानती हो यह त्यौहार फसल पकने की खुशी का भी प्रतीक है। इस समय खेतों में गेहूं और सरसों की फसल बहुत अच्छी होती है। यह त्यौहार एकता और खुशहाली का संदेश देता है। और हाँ, तुम कह रही थी कि इस बार तुम छुट्टियों में घर आओगी तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। श्रेया को मेरा बहुत बहुत प्यार देना, आंटी अंकल को मेरा प्रणाम कहना। श्रेया जो है
वो जूली की बहन है और आंटी अंकल यानी कि उसके मम्मी पापा। अच्छा पत्र लिखना बंद करती हूँ, मुझे ढेर सारा गृहकार भी करना है मीठी मीठी यादों के साथ, तुम्हारी शकी प्रियांशी। तो ये थे हमारे, ये था हमारा पत्र जो लोहड़ी के बारे में बताता है हमें। अब आते हैं कुछ नए शब्दों पे जो हमारे इस पाठ में आए हैं। तो सबसे पहले हमारा शब्द है इकट्ठी। इकट्ठी का मतलब एक साथ, इकट्ठा करना मतलब एक साथ रखना। वधू, वधू मीन्स बहू, यानी कि वधू की पहली लोहड़ी यूज हुआ था, वधू इस्तेमाल हुआ था, तो वधू मीन्स बहू। अग्नि, अग्नि मीन्स आग, अग्नि, अग्नि के चारों ओर बैठकर आग सेकते, अग्नि मतलब आग। ढंग, ढंग मतलब तरीका, ठीक है, ढंग तरीका सिस्टम। बधाई देना, मुबारकबाद देना, ग्रेट, ओके। बधाई देना मतलब मुबारकबाद देना, त्यौहार की या जो भी बर्थडे की किसी चीज़ की बधाई देना, मुबारकबाद देना। स्वास्थ्य, सेहत, हेल्थ। प्रतीक, सूचक, ठीक है, इंडिकेटर। कामना, इच्छा, अभिलाषा। खुशहाली, संपन्नता। इंतजार, प्रतीक्षा, राह देखना, इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, राह देखना। संदेश, खबर, समाचार। प्रणाम, नमस्ते। तो ये थे हमारे इस पाठ के नए शब्द। अब आते हैं कुछ अभ्यास, अभ्यास प्रश्नों पर जो कि हमारे हैं इस तरह से। अभ्यास यहाँ पे श्रुत लेख दिया गया है, इन शब्दों को आप दो या तीन बार लिख कर और इन शब्दों को बार बार लिख कर प्रयास करें को लिख और बार बार इसे पढ़ें। लोहड़ी, त्यौहार, प्रिय, अग्नि, मूंगफली, मक्का, प्रतीक, खुशहाली, स्वास्थ्य, छुट्टियों, इंतज़ार, इकट्ठी, प्रणाम, गृहकार। उसके बाद आते हैं पाठ की बात पे, जिसमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि हमारा जो प्रश्नोत्तर है वो कैसा है, मौखिक प्रश्नोत्तर है। तो बात करते हैं यहाँ पे नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मौखिक प्रश्नोत्तर। लोहड़ी किसका प्रिय त्यौहार है? आपने पढ़ा बेटा कि लोहड़ी जो है वो पंजाबियों का प्रिय त्यौहार है, तो लोहड़ी इसका उत्तर होगा, लोहड़ी पंजाबियों का प्रिय त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर ख, प्रश्न नंबर ख, प्रियांशी लोहड़ी का त्यौहार मनाने कहाँ गई थी? प्रियांशी कहती है ना कि कल ही मैं पंजाब से वापस आई हूँ, हम वहाँ राजू अंकल के बेटे की पहली लोहड़ी मनाने गए थे। तो प्रियांशी लोहड़ी का त्यौहार मनाने कहाँ गई थी? तो प्रियांशी लोहड़ी का त्यौहार मनाने पंजाब गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ग, लोहड़ी का त्यौहार क्या संदेश देता है? आपने पढ़ा कि लोहड़ी का संदेश एकता और खुशहाली का संदेश देता है, तो इसका उत्तर होगा, लोहड़ी का त्यौहार एकता और खुशहाली का संदेश देता है। लोहड़ी का त्यौहार कब मनाया जाता है? आपने जाना कि जो लोहड़ी का त्यौहार होता है वो मकर संक्रांति पर, जिसे हम खिचड़ी कहते हैं, उसके एक या दो दिन पहले, और जो हमारा मकर संक्रांति या खिचड़ी का त्यौहार होता है वो 15 या 16 जनवरी को होता है, और 13 जनवरी को हमारा लोहड़ी मनाया जाता है। तो लोहड़ी का त्यौहार 13 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। ये अब हमारे कुछ अभ्यास प्रश्न जो हैं वो लिखित अभ्यास प्रश्न है। तो सबसे पहले है, यह पत्र किसने किसे लिखा? सबसे पहला क्वेश्चन, तो इसका उत्तर होगा कि यह पत्र प्रियांशी ने जूली को लिखा है, ठीक है। इसका उत्तर होगा, यह पत्र प्रियांशी ने अपनी सखी जूली को लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ख, लोहड़ी का त्यौहार कहाँ कहाँ मनाया जाता है? आपने पढ़ा कि लोहड़ी का त्यौहार पंजाब और हरियाणा में धूमधाम से मनाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा, लोहड़ी का त्यौहार पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर ग, लोहड़ी का त्यौहार कैसे मनाया जाता है? तो इसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था विस्तृत में, तो ध्यान से सुनिए। इस दिन लोग लकड़ियां इकट्ठी करके उसका एक ढेर बनाते हैं, शाम के समय आग जलाई जाती है, लोग अग्नि के चारों ओर चक्कर काटते हैं और उसमें तिल डालते हैं, फिर सब अग्नि के चारों ओर बैठकर आग सेकते हैं, मूंगफली, रेवड़ी और मक्का के फुल्ले खाते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, आग में तिल डालते हुए अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, फिर सब आग के चारों ओर नाश्ते करते हैं, घर में वधू की पहली लोहड़ी और बच्चे की पहली लोहड़ी बहुत अच्छे ढंग से मनाई जाती है। तो इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, छोटे में कैसे लिखेंगे? इस दिन लकड़ियां इकट्ठी करके ढेर बना के उसमें शाम के समय आग जला दी जाती है और लोग आग अग्नि के चारों ओर बैठकर चक्कर काटते हैं और उसमें तिल डालते हैं और अग्नि के चारों ओर बैठकर आग सेकते हैं, मूंगफली, रेवड़ी और मक्का के फुल्ले खाते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं, बस इतना ही, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर घ है आपका, लोहड़ी का त्यौहार फसल पकने की खुशी का प्रतीक कैसे है? लोहड़ी का त्यौहार फसल पकने की प्रतीक, खुशी का प्रतीक कैसे? आप जानते हैं कि यह त्यौहार फसल पकने की खुशी का भी प्रतीक है, इस समय खेतों में गेहूं और सरसों की फसल बहुत अच्छी होती है, यह त्यौहार एकता और खुशहाली का संदेश देता है।
तो यहाँ पे लोहड़ी का त्यौहार फसल पकने की खुशी का प्रतीक कैसे, इसका उत्तर ये होगा क्योंकि इस समय खेतों में गेहूं और सरसों की फसल बहुत अच्छी होती है। ठीक है, उसके बाद आपको आ जाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो आग में तिल डालते हुए किसकी कामना करते हैं, तो आग में तिल डालते हुए अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, आपका सही ऑप्शन है अच्छे स्वास्थ्य की। ख, लोग किसके चारों ओर चक्कर काटते हैं, तो लोग अग्नि के चारों ओर चक्कर काटते हैं, आपका सही आंसर है अग्नि के। क्वेश्चन नंबर ग, लोहड़ी के समय किसकी फसल अच्छी होती है, तो आपका आंसर है गेहूं और सरसों की, तो आपका सही ऑप्शन है गेहूं और सरसों की। यहाँ पे रो के इन दो रूपों दो दो शब्द लिखे, तो प्रिय का हो जाएगा आपका, यहाँ पे प्रिय का हो जाएगा प्रिय का हो जाएगा आपका, प्रिया भी हो सकता है, प्रणाम भी हो सकता है, प्रेरणा भी हो सकता है। ठीक है, कार्य का हो जाएगा आपका सूर्य भी हो सकता है, उसके बाद कर्म भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह के कई वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रिय का, प्रेरणा, प्रणाम, कार्य का, कर्म, सूर्य। ठीक है, धन्यवाद।